शहजादा बना दिया है ना वैसे एक सच्ची बात कहूं आपसे, हाँ कहो। जिस दिन आप मेरे बाल नहीं बनाती ना, तो मुझे कुछ अधूरा सा लगता है, खुद में कुछ कमी महसूस होती है। बेटा जिस दिन अगर मैं तुम्हारे बाल ना बनाऊं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज तो कुछ भी नहीं किया। महबूबा की गेसों की सियाई आशिक को गहरी खाई में फेंक देती है। ऐसे तो शायर ने नहीं कहा, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, मगर आज तुम इस मूड में कैसे? नगमा, अगर सच कहूं तो मेरे सारी रिश्तों की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत में महसूस की है। एक सेकंड दो मुझे। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, बट यू डोंट लव मी। है ये बात तो तुम न करो, तुम्हें मालूम है मैं जब भी तक हार के बाहर से आता हूँ तो तुम्हारी गोद में सर रख देता हूँ। खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। आज तो बड़ी शायरी शुरू की हुई है नदीम। यार मैं तुम्हारी जॉब पे बहुत खुश, लेकिन दिल में एक अंदेशा सा पैदा हुआ है। वो क्या? मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे ना हो तुम जॉब में वो सारे वादे भूल जाओ जो हमने यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ किए थे। नहीं नदीम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक पश्तून लड़की हूँ, तुम्हारे साथ जो वादे किए हैं आखिरी दम तक निभाऊंगी। ओह गॉड, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल, कोई है? कोई पुलिस को बोले, मेरा फोन, मेरा पर्स। ओह माय गॉड। यार मैथ का पीरियड आज बहुत बोर था। नहीं यार, वो बीच में दूसरे ने डबल क्लास ले ली। तुम भी कुछ बोलो ना, क्यों मुंह लटकाया हुआ है? इस पीरियड को छोड़ो, जो पीरियड हमने गुजारा है उसका गम करो। कुछ भी नहीं है यार, तुम ऐसे ही डर रहे हो। यार तुम भी अजीब लोग हो, कम अज कम वारदात करनी थी, फिर मेरी बाइक से वो नंबर प्लेट भी तो हटाई होती ना यार। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही डर रहे हो। यार ऐसे ही नहीं डर रहा, एक तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दूसरी बात वो खातून मुझे कोई आम खातून नहीं लग रही थी। ऐसा ना हो रिपोर्ट ही कर दे यार। रिपोर्ट तो वो खामखा करेगी, क्योंकि उसके पर्स में 78,000 रुपए थे और मोबाइल भी था कीमती, और इसके अलावा और भी सामान वान था। यार वो मोबाइल 40-50 हज़ार का होगा। मोबाइल की बात मत करो, पैसों के अलावा जितना भी सामान है ना सब जला दो, ऐसा ना हो हमारे लिए काम देख ले वो। बात तो ठीक की है यार, बात में वजन है, इन्हीं चीजों से सबूत बन जाते हैं। इस मोबाइल की आईमी ट्रेस हो जाएगी और सारा सारा मसला इससे बनेगा। चलो ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ, रात को भी डैडी बहुत गुस्से में थे। और एक बात मेरी याद रखना, ये जो कुछ भी हुआ ना इसका किसी को पता ना चले। जाओ मेरी बाइक लेके चले जाओ। नहीं नहीं, तोबा है मेरी बाइक से, मैं रक्षे पे जाऊँगा, एक बाइक भी नहीं ले जाता। ओके हाँ, अब इसे पकड़ो, अब ये डर के भागा। यार ये मम्मी डैडी लोग हैं, इन्होंने ये काम कहाँ किए? बड़ी बड़ी तो ये फेंकता था ना, बड़ी बड़ी तो ये फेंकता था। अब तुमने उसे कहा कि मोटरसाइकिल पे जाओ, लेकिन उसने कहा कि मैं रिक्शे पे चला जाता हूँ। अब इसे देखो। अच्छा छोड़ो यार, चलो हक हलाल के 78,000 में से 1,000 खर्च करते हैं। आ जाए डैडी से इसकी शिकायत करूंगी मैं, अभी तक ये घर नहीं आया।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। आसमान जी रुको यहाँ पे। सुबह से कहाँ पे थे? अस्सलामुअलैकुम सर। बैठें। थैंक यू। हाँ सैफ, खैरियत है? कैसे हमारे घर आना हुआ? वो जी सेक्रेटरी साहब, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन हमारी भी कानूनी मजबूरियां हैं। इतना भी खुद को मजबूर ना करो कि बात भी ना कर सको, बिला झिझक बात करो। सर, आज वहां मल रोड पे वारदात हुई है। SHO साहब, ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ सुबह शाम वारदातें होती हैं। उसमें जी आपके बेटे उस्मान की बाइक आइडेंटिफाई हुई है। मेरे बेटे की बाइक? हाँ, उसने मुझे कहा था उसकी बाइक चोरी हो गई है। मैं आपसे बात करने ही वाला था कि आप आ गए। हाँ, ये इन्हें दो और उस्मान को बुलाओ। थैंक यू। हाँ, SHO साहब, आपका DSP कौन है? वो तो जी अभी नए आए हैं, जफर खान नाम है। अच्छा, वो चिराट वाला? हाँ जी हाँ, चिराट वाले, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, आपकी बाइक मिसिंग है? हाँ जी। कब से? आज सुबह या दोपहर। सुबह या दोपहर, कहाँ से? यूनिवर्सिटी की पार्किंग से। आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मैंने कहा डैडी को बता दूं, फिर वो जो फैसला करेंगे वैसे ही करूँगा। उस्मान, आपको पता है आपकी बाइक वारदात में इस्तेमाल हुई है? और सेक्रेटरी साहब, आपको तो पता है आजकल बहुत नाजुक दौर है। उस्मान, आपकी यूनिवर्सिटी की कार पार्किंग में CCTV कैमरे हैं? हाँ जी हैं, लेकिन सब आउट ऑफ ऑर्डर हैं। चलो हम कुछ कर लेंगे। SHO साहब, आपको उस्मान की बाइक कहाँ से मिली? रोड पे कहीं पड़ी थी, कांस्टेबल्स थाने लेके आए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वारदात में इस्तेमाल हुई है? एक खातून ने FIR करवाई थी और उसमें इसी के बाइक का नंबर रिपोर्ट हुआ है, इसलिए मैं हाजिर हुआ। लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस्मान की बाइक का नंबर लिखवाया। उस्मान कहता है उसकी बाइक यूनिवर्सिटी से चोरी हुई और आप
यार आज तो इंटरव्यू था तुम्हारा, क्या बना उसका? दुनिया जहान के लोग आए थे, पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ हैं? सारी 10 सीटें थी और 700-800 बंदे आए थे। यार मुझे तो समझ ही नहीं आती हमारे इस मुल्क का क्या बनेगा, कुदरत चला रही है इसे। इसी बेरोजगारी की वजह से तो हमारे मुल्क में बस क्राइम बढ़ रहे हैं। एक बंदे को शाम को 1 किलो आटा चाहिए होता है, बच्चे भूखे होते हैं, और अगर उसको कहीं रोजगार ना मिले तो फिर वो जुर्म करने पर मजबूर हो जाता है। चंद रोज पहले हमारे मोहल्ले में एक बिल्कुल नौजवान लड़का था, 2 मोटरसाइकिल सवार इससे मोबाइल छीन रहे थे। उसने इनकार किया और उसे मार डाला। पुलिस वाले इन मुजरिमों को तो पकड़ लेते हैं, अदालत सजा भी दे देती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज इस मुजरिम से ये पूछे कि तुम ये जुर्म क्यों कर रहे हो, आया तुम ये मस्ती से कर रहे हो या मजबूरी से। यार तो जज किस किस से पूछेगा कि तुम्हारा क्या मसला है, तुमने क्यों चोरी की, तुमने क्यों कत्ल किया। ये एक सिलसिला है जो जारी है और जारी रहेगा। इस बुजुर्ग को देख रहे हो, तुम तो इसे अच्छी तरह जानते हो, ठीक ठाक था, बेरोजगार था, कोई काम नहीं मिल रहा था, एक बेटी भूख से मर गई और बीवी इतनी डिसहार्ट हो गई, खुद भी जहर खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। बुलाओ यार उसे। किंग अंकल इधर आए ना, आए हमारे पास बैठे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? किंग अंकल क्या हाल है? खैर जी, ठीक है आप? हमारा पूछते ही नहीं आप। मैं तो जी सबको पूछता हूँ, हर दोस्त का पूछता हूँ, हर साथी का पूछता हूँ। बताए ना अंकल, अपनी कहानी तो सुनाए हमें। मैं 100 साल से दुनिया पे हुकूमत कर, सारा पानी ही पानी था। इस पहाड़ पे मैंने सुराख किया और उसमें से पानी आया और लोगों ने कहा कि सैलाब आ गया। सैलाब तो नहीं था, मैंने कहा सैलाब नहीं है, ये तो पानी है, इसमें खेत जो है वो। फिर मैंने बनाए, फिर मैंने मुर्गे बनाए, फिर मैंने बकरे बनाए, फिर मैंने वो दरख्त बनाए जिन पे खेती होगी, और उसके बाद अनार भी बनाए, और ये सारे फिर जो है ना खेती बाड़ी शुरू हो गई और ये सारा चलता रहा, काम किया मैंने। फिर मैंने दरख्तों पे लिखना शुरू कर दिया, पत्थरों पे लिखना शुरू कर दिया, लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, लोग पढ़ना शुरू हो गए। फिर मैंने जहाज बनाए, फिर मैंने शिप बनाए, वो शिप होता है ना बहुत बड़ा होता है, दरिया के अंदर चलता है। जिंदाबाद किंग अंकल, जिंदाबाद। भाई सुनो, किंग अंकल के लिए रोटी लाओ, जल्दी करो। Nobody call me donkey. Nobody call me stupid. Nobody call me donkey. Nobody call me stupid. Nobody call me stupid. Nobody call me stupid. Nobody call me stupid. Nagwa. Nagwa. Sir. Yes, sir. Nagwa kidhar hai? Sir, bazaar kahin hai. क्या? किस वक्त? 15 मिनट हो गए सर। सर और कुछ चाहिए सर? नो, जाओ। गई थी? मार्केट गई थी। किस वक्त? 4 बजे। ले
लेट क्यों आई? वो वहां उधर क्या बोलो ना, उधर क्या? वहां कुछ गुंडे थे, उनकी वजह से मैंने रास्ता बदल लिया, इसी वजह से मैं लेट हो गई। आई कयामत की घड़ी बचोगे तुम कैसे? हाथ में खंजर है मेरा, मरोगे तुम ऐसे? यार ये तो साथ किसी को करा दिया। देखो मुझे तो लल्लू सा बंदा लग रहा है। अरे तो इससे मोबाइल छीटे के पैसे भी छीटेंगे, इससे थप्पड़ भी मारेंगे दो चार। ए लड़कों, इस लड़की को तुमने छेड़ा था? हाँ तो क्या तुम इतने बदमाश हो? क्या पूछोगे क्यों तू बदमाश है? क्या बताओ तुम्हें बदमाश किसको कहते हैं? हाँ तुम इंसानियत समझ नहीं आ। इधर आओ, तुम्हारे साथ में घर में बात करूंगा। तुमने कई दफा कहा जब बाजार जाया करो तो अपने सर पर्स में रिवॉल्वर लेकर जाओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए। रॉकी बदबाखो कहा करो ना, इसको मैंने किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? ये तुम्हारे लिए सौदा सलफ भी लाएगा, बाजार भी जाएगा, जो कुछ कहोगे वही करेगा। ये जो तुम अकेले आती जाती हो, इसमें मुझे कुछ और ही खेल लगता है। तुम क्यों जाती हो? मशाल, तुम मुझ पर गलत शक कर रहे हो, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? अगर ऐसी औरत नहीं हो तुम क्यों अकेले जाती हो? उन गुंडों को मैंने कहा था कि मुझे छेड़े। जब तुम इस हालत में बाहर जाओगी तुम्हें लोग नहीं छेड़ेंगे। सौ दफा तुम्हें अपने आप को कवर करो, प्रॉपर कपड़े पहनो, लेकिन तुम इंसानी की समझ नहीं आती। तुम्हारी हिन्नी हरकतों से दिमाग खराब हो जाता है। सौ दफा तुम्हें समझाए लेकिन तुम्हें समझ नहीं देता। मौजाओ तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिमाग हमेशा खराब रहता है। तुम्हें मैं समझाता हूँ लेकिन तुम्हें समझ नहीं आते। मैं तुम्हारा गधा गोंड दूंगा तब जाके तुम्हें समझ आएगी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है? मुझे बताओ ना। तुम्हारा दबा देगा क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? तुम सोए नहीं हो रात भर? ओहो कितना भरो है। ओ, ओ।
ये क्या मसला था? तुम्हें बहुत मारे ना? तुम जब नंगे सर इस तरह घर से निकलती हो तो लाजमी तौर पर लोग तो तुम्हें देखेंगे, तो किसी की आंखें तो तुम नहीं बंद कर सकते। ये अच्छी बात नहीं है, खुद को ढांप कर पहल जाया करो। तुम्हें पता है नगमा, मुझे कभी कभार खुद की भी समझ नहीं आती। तुम्हारे साथ, लोगों के साथ, हर किसी के साथ बहुत बुरा करता हूँ, यकीन जानो बाद में बहुत नदामत होती। अच्छा नगमा, आईना ऐसा नहीं करूँगा, मैं दर हकीकत तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे निकाह करो। कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा, बस हालात का इंतजार है। जब हालात ठीक हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही निकाह करूंगा। तुम अब इस तरह करो, मुंह हाथ धो लो, खुद को फ्रेश करो, फिर तुम्हें ले जाता हूँ, ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं। चलो उठो अब। शाबाश। भाभी आपको इसलिए बुलाया है कि वो शुमाइला बेटी आ रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कब आ रही है खैर से? बस ये एक दो दिनों में आएगी। नदीम क्या कर रहा है आजकल? भाई वो बीमा पॉलिसी की जॉब थी लेकिन अब छोड़ दी। हाँ, मतलब है कि फारिग है आजकल? हाँ भाई, नौकरी के पीछे फिर के थक गया है। मेरे पास क्यों नहीं आता? इस घर का दामाद बनेगा, वो तो इतनी सारी फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री संभाल लेगा। भाई मैं उसे कहूंगी, वो जरूर आएगा। हाँ ना, शादी से पहले आ जाए तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारियां सौंप दूंगा ताकि सब कुछ संभाल ले। आएगा आएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, कुछ जरूरत हो तो बताए मुझे। नहीं भाई, आपके हम पे बहुत एहसान है। नदीम के बाप की मौत के बाद एक रब का आसरा था और एक आपका। एहसान की क्या बात है, कयूम मेरा भाई था, उसके मुझ पे बड़े एहसानात हैं। मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि आपको छोड़ आए। नहीं भाई, मैं रक्षा में चली जाऊंगी, मैंने थोड़ा सौदा लेना है, मैं जाती हूँ, मुझे इजाजत दी। इजाजत है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। शुक्र है कि माँ और बेटा दोनों बच गए। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, ऐसी सिचुएशन में माँ और बच्चे दोनों के लिए प्रॉब्लम होता है। मेरे तो सर में इतना दर्द है, एक कप चाय ना पिए सिद्रा? चलो आओ कैफेटेरिया चलते हैं। चलो। सिद्रा, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक बात की थी, आपने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं इंतजार में हूँ। चाय पियो। तुम किस बात के जवाब के मुंतजर हो? मुझे कुछ याद नहीं। एक तो आपकी याददाश्त बड़ी वीक है। अगर आपको याद हो, मैंने अपने बेटे के लिए जिया का रिश्ता मांगा था, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ याद आ गया, मैं जिया और उनके डैडी के साथ बात करूंगी, उनकी तरफ से जो जवाब मिला फिर मैं तुम्हें बताऊंगी।
तुम परेशान मत हो, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह हो और जिया को अपनी बेटी समझो। अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई हेल्प यू? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे मशाल खान कहते हैं। और आप? जिया। बड़ा प्यारा नाम है, आपकी तरह। अच्छा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेसमैन। अरेवन, आज आपका पहला दिन है, कांग्रेचुलेशंस। आपसे पहले यहाँ पर एक और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, बड़ा बदमिजाज आदमी था। आपके आने से इस बैंक का सारा माहौल खुशगवार हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बातों पे समझी नहीं। समझ आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो वैसे भी आता जाता रहूंगा, मैं जरा बेजा साहब से मिलूं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो? आई एम सॉरी, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पर्सनल। ठीक है जी, ठीक है। स्टुपिड कहीं का। हेलो मामा। हेलो जिया। जिया, तुम्हारी जॉब कैसे जा रही है? मामा जबरदस्त, A1। और स्टाफ का रवैया? सब बहुत नाइस है, बहुत अच्छा रवैया है सबका। अच्छा। जिया, मैं ये सोच रही थी कि तुम उनको घर पर दावत दो या फिर उनको कहीं रेस्टोरेंट में बुलाओ। वाओ मामा, अच्छा आइडिया दिया है। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि अपने स्टाफ को दावत दूं। ठीक है, मैं आज ही दावत दूंगी। जिया, तुम मेरी वो दोस्त डॉक्टर को जानती हो? रुखसाना आंटी। हाँ हाँ, रुखसाना आंटी। उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है अपने बेटे फवाद के रिश्ते के लिए। हाँ, रिश्ता उसके बेटे का है, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा, वो तुम्हारा रिश्ता फवाद के लिए मांग रही है। सॉरी मामा। क्यों बेटा, खैरियत? आई नो, अच्छे लोग हैं, फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। फवाद अगर पसंद नहीं है तो फैमिली में कोई पसंद है तो तुम बता सकती हो बेटा। मामा। बोलो बेटा, बोलो। बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप के साथ ऐसी बातें शेयर करे। एक्चुअली मेरा क्लास फेलो नदीम नाम है, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे डैडी से बात करती हूँ। ठीक है।
अच्छा बेटा, तुम अपना काम करो, मैं किचन में जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ। ओके मामा, थैंक यू। ऑफिस के कामों के लिए लोगों को चाहिए ऑफिशियल आवर्स में कॉल करें। ये मेरा पर्सनल टाइम है और ऐसे वक्त में कोई कॉल नहीं करता, ये एथिकली गलत बात है। देखिए जी बेबी, मैंने आपके लिए बहुत शानदार और खूबसूरत गिफ्ट लिया हुआ है। ऑफिस में इसलिए नहीं दे सकता कि वहाँ पे और भी कई लोग हैं, और वैसे भी बुरी बात है आप फीमेल हो ना। ऐसा कर लेंगे कि बाहर कहीं जाकर डिनर कर लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, क्या ख्याल है आपका? बेबी गुज, मैं जिया को क्या जवाब दूंगा? जिया को कोई भी जवाब देते रहो, लेकिन मुझे जवाब दो कि मैं भाई को क्या जवाब दूं। उनको मैं किसी सूरत खफा नहीं कर सकती, और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो जिया को साफ इनकार कर दो। नदीम, किधर हो? मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 4 घंटे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया, मैं वसीम बात कर रहा हूँ। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि नदीम और उसके घर वाले आज नहीं आ सकते। वसीम, नदीम क्यों नहीं आ रहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद बांधूंगी। शुमाइला, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और आजकल घड़ी कौन इस्तेमाल करता है, मोबाइल में ये सब है ना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सादा हो तुम। घड़ी इंसान सिर्फ वक्त देखने के लिए नहीं पहनता, इससे इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है।